तो नमस्कार, कैसे आप सभी? आप सभी का मैं प्रतीक मिश्रा अपना इंडिया रेलवे के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। भाइयों, आपको हमने बताया था कि 29 तारीख को मीटिंग होने वाली, जिसमें से हमारे उदयपुर अहमदाबाद को लेकर काफ़ी सारे प्रस्ताव भेजे गए थे। इसमें से ना कुछ ट्रेन को मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें से उदयपुर अहमदाबाद, जयपुर अहमदाबाद, कोटा अहमदाबाद ट्रेनें जो है इनको मंजूरी दी जा चुकी है। जल्द ही रेलवे स्टेशन पर इन ट्रेनों को दौड़ते हुए आपको जो है नज़र आने वाली है। साथ में सोमनाथ, गांधीनगर, वाराणसी रूट पर भी जल्द नई ट्रेन स्टार्ट होगी। उदयपुर सिटी स्टेशन पर रिनोवेशन हेरिटेज के अनुसार जो है किया जाने वाला है। तो ये सब चीज़ें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण थी इस रूट को लेकर। तो चलिए, क्या क्या हुआ है इस मीटिंग में जान लेते हैं वीडियो के माध्यम से। तो उत्तर पश्चिम रेलवे और मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की बैठक शुक्रवार को अजमेर में की गई। इसके बारे में हमने आपको इन्फॉर्मेशन बहुत पहले ही दे दी थी। तो उदयपुर से जुड़े हुए मुद्दों पर भी इस पर जो है गहन चर्चाएं जो है हुई है। समिति सदस्य जय चंपावत ने कहा है कि उदयपुर से पारसनाथ स्टेशन को जोड़ा जाएगा। अभी जो ट्रेनें हैं अजमेर से चल रही है, जिसे उदयपुर तक बढ़ाना चाहिए। इससे मेवाड़, वागड़ के लोगों को काफ़ी फायदा मिलेगा। सोमनाथ, अहमदाबाद, गांधीनगर, वाराणसी को उदयपुर से जोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर हरिद्वार उदयपुर को नियमित किया जाना चाहिए और लंबे समय से बंद ओखा नाथ द्वारा ट्रेन को जल्द शुरू किया जाना चाहिए। रेलवे का कहना है कि इन ट्रेनों के जो शुरू होने से साथ साथ में इन ट्रेनों को उदयपुर से भी जोड़ देना चाहिए। DRM की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी स्टेशनों के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया है। तो लेट ही सही, लेकिन हमारे उदयपुर पर काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही है। अभी हाल ही में काफ़ी सारी सौगातें जो है उदयपुर को दी जा रही है। तो समिति के चार सवाल हैं, जिसका रेलवे ने चारों सवाल का बड़े ही आसानी के साथ में उत्तर दिया है। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न था वह यह था कि नई ट्रेन के लिए उदयपुर अहमदाबाद इंटरसिटी, अहमदाबाद जयपुर सुपरफास्ट, कोटा अहमदाबाद एक्सप्रेस को बहुत चलाना जरूरी है। तो इस पर जो है रेलवे ने जवाब दिया है कि तीनों गाड़ियों को चलाने के लिए IRCTC के द्वारा 2022 रेलवे बोर्ड में सहमति मिल गई है, जल्द संचालन किया जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ने खुद कहा है कि यहाँ पर हमने संचालन दे दिया है। IRCTC का जो संचालन है, IRCTC का जो संचालन है, इस पर मिल चुका है। अब यहाँ पर ट्रेनों को सहमति दे दिया गया है और ट्रेनों को जल्द जो है शुरू किया जाएगा। उसके अलावा जो समिति का दूसरा सवाल था वह यह था कि उदयपुर से जम्मू तवी एक्सप्रेस को वाया चंडीगढ़, अमृतसर, कटरा से जोड़ा जाना चाहिए, जिससे पर्यटक शिमला से कनेक्ट हो सके। इस सवाल पर रेलवे ने कहा कि उदयपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस का प्रस्ताव IRCTC भेज दिया गया है। मतलब यहाँ पर इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिलेगी, बहुत जल्द दी जा सकेगी। इसके अलावा उदयपुर अहमदाबाद आमान्य परिवर्तन की अंतिम तारीख और निरीक्षण के दौरान बताई खमियों को क्या करना है। तो यहाँ पर रेलवे ने जवाब दे के मुख्य सुरक्षा अधिकारी के निरीक्षण के निर्देशानुसार कार्य को किया जा रहा है। मतलब उन्होंने जो जो कमियाँ बताई थी, इसको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर रीडेवलपमेंट, मतलब अच्छे से कार्य को किया जा रहा है। इसके अलावा जो आखिरी प्रश्न था वह यह था कि उदयपुर रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण किया जाना चाहिए, इस दौरान ऐतिहासिक धरोहर का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इस पर रेलवे ने कहा है कि उदयपुर को हेरिटेज के रूप पर हम जो है यहाँ पर इसको रीडेवलपमेंट करेंगे। तो भाइयों, उदयपुर अहमदाबाद को मंजूरी मिल चुकी है, जयपुर अहमदाबाद को मंजूरी मिल चुकी है, कोटा अहमदाबाद ट्रेन को मंजूरी मिल चुकी है, उदयपुर से लेकर रीवा वाली ट्रेन को भी मंजूरी मिल चुकी है, जो कि 5 और 4 ट्रिप में कल के दिन से इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। सोमनाथ, गांधीनगर, वाराणसी रूट की ट्रेनें जल्द ही यहाँ पर उदयपुर से चलाने की बात हो रही है। तो एक चीज़ तो कहीं ना कहीं क्लियर हो चुकी है कि अब जो है ना इसकी रफ्तार जो है रुकने वाली है नहीं, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हमने वेट किया है, काफ़ी लंबे समय ट्रेनों की प्रॉब्लम पे रेलवे स्टेशन ने जूझा है, क्योंकि अहमदाबाद जाने के लिए मौजूदा समय में कोई ट्रेनें नहीं है। तो इस रूट को एक सही सॉल्यूशन देने का काम जो है अभी अलग अलग कमेटी के द्वारा किया जा रहा है और इसी चीज़ जो है यहाँ पर देखी जा रही है। आप लोग ये फोटो देखिए, जो कि रेलवे बैठक की फोटो है, जो कि अजमेर में की गई है। तो इसमें काफ़ी कुछ सॉल्यूशन निकल आया है। उम्मीद की जा रही है कि अब हमारी ट्रेनें बहुत जल्द स्टार्ट होगी। इसी के साथ में आपसे वीडियो के लिए आज्ञा लेते हैं, फिर मिलते हैं लगातार नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।